हे गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम, कैम छो। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो दोस्तों, शाम कह रहा हूँ, सुबह के लगभग 7:30 हो चुके हैं। मनीषा का आज पेपर है, तो कल मैं अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था, तो पहले मैं आपको वो वाला एक क्लिप दिखा देता हूँ, आई होप कि आपको पसंद आए। बाकी अभी आज मनीषा का एग्ज़ाम है, तो मनीषा एग्ज़ाम वगैरह के लिए एकदम फटफट फटफट रेडी हो रही है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी थोड़ा गला ख़राब है और पता नहीं क्यों इतना जुकाम बुखार सा हो गया था, तो रात को मेडिसिन वगैरह लिया हूँ, तो पहले से बहुत बेटर है। बट आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। फिलहाल चलिए आपको कल का क्लिप दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी अंकुश के साथ हैं और वैसे तो मैं व्लॉग बहुत दिन से नहीं कर रहा हूँ, और रजत भाई भी है साथ में, उड़ीसा से ये दोनों। हाँ, दोनों उड़ीसा से एकदम मस्त, अभी रायपुर से उड़ के आ रहे हैं। वैसे हैं उड़ीसा से, ट्रेन पकड़ने के लिए रायपुर गए थे। हाँ। और क्योंकि बॉर्डर पे है ना छत्तीसगढ़ वाले पे, तो मैं बहुत दिन से व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ। मेरे ऑडियंस को लगेगा अचानक ये व्लॉग कहाँ शूट कर रहा है। हाँ। तो मैं सोचा भाई आया हुआ है, मिलते हैं एक बार, और अब अपना आराम से, ये लोग हिमाचल टूर करने वाले हैं। मेरा मन था मैं भी जाता, लेकिन अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह के चक्कर में मैं इधर उधर जा नहीं पा रहा हूँ। एक और भाई आया, देखो कहाँ से टप के आ रहे हैं। नाम बताओ, नाम बताओ। संदीप, संदीप भाई है अपने, ये भी उड़ीसा से। हाँ। सब उड़िया पिला, मत भी उड़िया आ से। ठीक है ठीक है। अब अपन सब अमृतसर में मिलेंगे रिटर्न। अब बिल्कुल अमृतसर में मिलेंगे। अंकुश कह रहा अमृतसर जब आएगा, ये मनाली से अमृतसर। हाँ, रिटर्न। तो फिर मैं अमृतसर मिलने की कोशिश करूंगा। अभी ये लोग लेट ना हो जाए, क्योंकि लेट नहीं हो गए, 3 घंटे पहुँच जाओगे। चलो। तो गाइस, थोड़ी देर बाद जब मैं घर पे आया, रात का टाइम हो चुका था। मनीषा अपना यहाँ पे डेली रूटीन, जैसे कि अपने फेस वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो क्रीम वगैरह लगाती है वो लगा रही थी, और यहाँ पर मनीषा ने अपना ये वाले जो क्रीम होते हैं ना, ये वीकली लगाने होते हैं, तो ये क्रीम रात को लगा करके फिर सो जाना होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ सोने की तैयारी हो रही थी, और अगले दिन सुबह का नज़ारा अब आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो फिर से, और फिलहाल अभी यहाँ पे सब लोग कॉलेज जाने की भाग दौड़ में लगा हुआ है। ये देखो तनु भी आ गई। लोग पूछते हैं ना, तनु कहाँ चली गई। तनु ऊपर रहती है और कॉलेज एकदम सुबह सुबह भाग जाती है, और फिर शाम को आती है। राशिद भी तैयार हो चुका है, और आज है रुद्र और पूजा की एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी उनको स्पेशली हमारी तरफ से। अभी मनीषा का पेपर है, नहीं तो हम लोग अभी वहाँ पे रहते और भी अच्छा सेलिब्रेशन वगैरह करते। सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप लोगों को पता ही है इंपॉर्टेंस कितनी है। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं मनीषा क्या कर रही है। वैसे मनीषा उठ चुकी है, और मनीषा यहाँ पे ब्रश कर रही है, भाई साहब दिखी दे रही है। तो मनीषा को यहाँ पे जुकाम सा हो गया है। सो सुबह का रूटीन है इनका, फेस वॉश करना, तभी यहाँ उठते उठते फेस वॉश। और फेस वॉश में देख लो गाइस, फेस वॉश में ना ये क्योर स्किन का जो फेस वॉश है, प्रॉपर जो डॉक्टर्स ने बताया हुआ है क्योर स्किन के, वही यूज़ होता है। और हाँ, ये फोमिंग टाइप फेस वॉश है। तो फिलहाल मनीषा अभी फेस वॉश करेंगे, और उसके बाद से जो आज का अपना डेली रूटीन होगा। चेहरे को, स्किन को मेंटेन करना ना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके जब आप सर्दियों में हैं, तो अभी तो सर्दी है, स्किन फटफट सा जाता है, तो स्किन को मॉइस्चराइज करना, स्किन पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों के मौसम में। इसीलिए मनीषा का ट्रस्ट किस पे है मनीषा? क्योर स्किन पे है। क्योर स्किन तो मेरा भी फेवरेट है, ये वाला फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और नाम ही है क्योर स्किन। गाइस, क्योर स्किन ना एक डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ से आप अपने स्किन और हेयर या फिर फेस रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा सकते हैं। गाइस, फिलहाल मनीषा ने फेस वॉश वगैरह कर लिया, वो रेडी वेडी होंगी, उनको कॉलेज भी जाना है। मैं बताना चाहूँगा कि क्योर स्किन का ये जो किट आया हुआ ना, ये पूरा का पूरा किट 1500 रुपये में आया है। वैसे आप हमारा कूपन कोड यूज़ करके ना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। डिस्काउंट ऑलमोस्ट 200 का होगा, कोड है सचिन 200, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास वैसे जाते हो, अपने स्किन टेस्ट कराते हो, या फिर आप डॉक्टर के पास आना जाना, मेडिसिन का खर्चा, जितनी बार आप विजिट करोगे उतनी बार आपको वहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो ये चार्जेस ना आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर तो घर बैठे बैठे आपको कहीं नहीं जाना है, आपका स्किन टेस्ट होगा, आप अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, इनका जो ऐप है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप अपना स्किन टेस्ट ले सकते हैं। और वो स्किन टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्रॉपर किट बन के आएगा। ये किट मनीषा के फेस के अकॉर्डिंग आया, हो सकता है आपके फेस के अकॉर्डिंग कुछ और ही किट बन के आए। वैसे इसमें क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ,
तो इसके अंदर एक क्योर स्किन का फेस वॉश है, एक करेक्टर इमल जेल है, एक ग्लाइकोनेम यहाँ पे दिया हुआ है और एक सनस्क्रीन दिया हुआ है। तो ये ग्लाइकोनेम और ये करेक्टर इमल जेल जो है ये वीकली लगाना होता है 3-3 डेज़। बाकी सनस्क्रीन तो आपको पता ही है सर्दी हो या गर्मी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये क्योर स्किन का फेस वॉश। सबसे अच्छी बात पता है क्या कि डॉक्टर हमेशा आपसे रेगुलर फॉलोअप करेंगे। जब आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास एक प्रॉपर चेक आएगा, प्रॉपर आपको डाइट बताई जाएगी कि आपको क्या क्या खाना है, कैसे खाना है अपने स्किन को हेल्दियर रखने के लिए। और अगर बीच में कभी आपका मन करे ना कि आप उनसे चाहते हो कि आप बात कर लो, तो आप भी उनसे आप बीच में चैट या कॉल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और क्योर स्किन पे डॉक्टर जो होते हैं वो आपको सारा गाइड करेंगे। तो बिना किसी हेजिटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। देर किस बात की, अगर आपको भी अपने स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी है, तो लिंक को डाउनलोड करके अपना एक बार स्कैन जरूर करना, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत फ़र्क दिखेगा। बाकी चलिए अब चलते हैं मनीषा को छोड़ने। तो अब झटपट झटपट मनीषा एकदम फटाफट रेडी हो चुकी हैं कॉलेज यूनिफॉर्म में। अब इनका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और जाने से पहले देखो ये सनस्क्रीन भी अपना पूरा पूरा इस्तेमाल करके जा रही हैं। ये क्योर स्किन का ही सनस्क्रीन है, इसको भी लगा के फिर जाएंगे कॉलेज। इनके मेकअप बॉक्स में आ जाता है तभी अपना स्किन केयर। तो प्रॉपर स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, खास करके सर्दियों में। आप लोग भी जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाएं। चलो चलें, आप चलें, चलो गाइस निकलते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल मनीषा को लेके जा रहा हूँ कॉलेज, और इनका इस सेमेस्टर एग्ज़ाम का पहला एग्ज़ाम है। इस सेमेस्टर में ऐसे 4 ही एग्ज़ाम है। इस सेमेस्टर में क्या मतलब, वैसे तो 2 ही देगी, बाकी 2 में तो चेंज है। लेकिन यहाँ पर अभी ये आ चुकी है यूनिवर्सिटी। तो ये रही यूनिवर्सिटी गेट, और मनीषा बस है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना जितना पढ़ी है रात भर में, आज निकाल देना। ठीक है, आज खाना नहीं बनाया है, कोई बात नहीं है। तो भाई आज का नाश्ता हमें खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी, नेहा ताशी का जो YouTube हैक हुआ था, जल्दी जल्दी आप लोग उनके दूसरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सब लोग। और बहुत हार्ड वर्क करती हैं वो लेडी, बहुत मेहनत करती हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, और शायद कोई फॉरेनर है या फिर कोई वैसा है क्रिप्टो वाला बंदा कुछ एडवर्ट दिखा रहा है, तो ये चीज़ गलत है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बट जैसा भी होगा, आई होप कि रिकवर हो जाए अकाउंट, और जब तक रिकवर हो रहा है तब तक आप लोग उनके नए चैनल को प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए। चलो अब चलते हैं यहाँ से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो गाइज़ अभी मनीषा को कॉलेज छोड़ के मैं आ गया हूँ कार वॉशिंग शॉप पे। अभी अंदर वहाँ पे कार, इतना जोर का हॉर्न बजा रहा है, अंदर वहाँ पे कार वॉश हो रही है, क्योंकि थोड़ी क्या बहुत गंदी हो गई थी। और पेड़ के नीचे जब आप खड़ी करो ना, तो एक तो सीत गिरेगा पेड़ से, पानी टपक टपक के डस्ट वस्ट गिरेगा, और पेड़ के फूल वगैरह गिर के पूरा गाड़ी गंदा हो गया था। तो मैंने बोला कि उसको चलो धुलवा लेते हैं, और फिर उसके बाद से चल के कुछ नाश्ता वगैरह का जुगाड़ देखेंगे। गला बहुत ख़राब हो रहा है, अंदर से अजीब से ही हो रहा है, सर्दियों का मौसम चेंज है ना, तो थोड़ा होते रहता है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी धुल रही है और मस्त चमचमाती, जब धुल जाती है ना भाई साहब, कतई जहर। रोड पे चलती है तो लोग इसी को देखते हैं, ख़तरनाक ही लगते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो गाइस, मिस्टर मिसेस राज को। ये देखो, घर में आते साथ ना जेरी का अलग ही आतंक होता रहता है। जेरी क्या हुआ, बैठो, सिट डाउन, सिट, बैठो बैठो, पहले बैठो, वेरी गुड, हेलो करो, ये वाले हाथ से, वेरी गुड, ये वाले हाथ से, इस हाथ से करो, वेरी गुड। देख रहे हो गाइस कितना समझदार हो गया जेरी, मेरा जेरी, टिंग। और गाइस कोई माने या ना माने, गाड़ी जब धुल जाती है ना, खतरनाक बीस्ट लगती है भाई साहब, अल्टीमेट लुक, इतना सुंदर लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना रेटिंग दोगे 5-10 स्टार में, 10 में आप लोग इसके लुक को। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, खास करके इस कलर में तो और प्यारी लगती है भाई। तो दोस्तों अभी चलते हैं ब्रश करने। अभी आप लोग जान के ताजुब हो गए, 9 बज गए, मैं तो ब्रश भी नहीं किया हूं। और रुद्र पूजा की एनिवर्सरी में भी जाना था, बट अभी मनीषा का एग्ज़ाम वगैरह है, तो अब देखते हैं। और
इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड जिन लोगों ने भी इतना सारा प्रे किया कि तबीयत ठीक हो जाए, पहले से बहुत बेटर है लेकिन पूरा ओके नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ओके हो जाएगा एक दो दिन में, क्योंकि ऐसा ही मौसम चेंज हो रहा है ना। तो ending up this vlog right here. I hope you have loved the vlog. Bye bye. Lots of love to each and everyone watching across the globe. Jai Hind. I've been waking up alone. You left me here hours ago. Obsessively check my phone. Do you even know?